इसने शराबबंदी के नाम पर राजद को कहीं पर कटघरे में खड़ा करने की ताकत इस बिहार में किसी नेता को नहीं है। नीतीश की यदि भीतर की उपज होती तो 10 साल शराब नहीं पिलाते। ये दवा में शराबबंदी का कानून, और जब तक हम लोग का साथ रहा ये कानून लागू हुआ। यदि वायदा गुंडा कोई लेकर के एक गहना आपका छीन लेता तो सीसीटीवी कैमरे से हम उसको खोज लेते हैं देश के किसी हिस्से में। भाई अरबों करोड़ों का व्यापार, हजारों करोड़ का व्यापार सालाना, और तुम किसी को नहीं पकड़ पा रहे हो। तो क्या मैं कहूँ, निकम्मा नहीं कर सकते, निकम्मा नहीं है ये, एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूं आपके साथ कंचन। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के बाहर बैठे हैं। यहां हम आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के पास आए हैं। इनसे जानेंगे कि शराबबंदी कानून पे इनका क्या कहना है। नमस्ते सर। शराबबंदी कानून नीतीश के षड्यंत्र के चलते असफल हो गया, और इसके हम दो अवधि को मानते हैं। एक अवधि जो लगातार 10 साल तक इन्होंने शराब पिलाया, गांव-गांव तक पहुंचा दिया। ये मद्य निषेध विभाग है। मद्य निषेध विभाग का मतलब ही होता है कि हम धीरे धीरे शराब को बंद करेंगे। ये मद्य निषेध का विभाग प्रमोशनल नहीं बल्कि प्रोहिबिशन वाला एक्ट है। हम लोग इसको धीरे धीरे खपत घटा रहे थे, इन्होंने खपत को बढ़ाया, और बढ़ाने के लिए जहाँ कानून था कि चौक चौराहे पर, स्कूल के पास, मंदिर के पास, किसी धार्मिक स्थान के जगह पर, कहीं चौक चौराहे पर शराब की बिक्री नहीं होगी, अप्रोक्ष रहेगा, और जो पीने वाले हैं वहीं जाके पिएंगे, यही पहले से कानून चल रहा था। नीतीश कुमार ने क्या किया, कहा कि हम इसको गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, पहुंचा भी दिया। उस समय हम लोग बार बार विधानसभा में लड़ रहे थे सरकार से, भाई ये काम मत करो, इससे बहुत विकृति पैदा होगी, तबाह हो जाएंगे गरीब, कमजोर, मजदूर, नौजवान। लेकिन नहीं माना, और कहा हम इसे राजस्व वसूलते हैं, और इसी राजस्व से बच्चियों को साइकिल और पोशाक देते हैं। नहीं माना। लेकिन 2015 में जब दंगाइयों से थोड़ा अलग हटने का इन्होंने इरादा जाहिर किया तो हम लोग समझे कि शायद इनके भीतर भी समाजवादी चरित्र हो, इनको सहयोग कर दिया गया। हमारे लोगों की संख्या अधिक रहने के बाद भी इनको मौका दे दिया गया कि चलो भाई तुम कुर्सी पर बैठ करके काम करो, और तब शराबबंदी का कानून बना। नीतीश की यदि भीतर की उपज होती तो 10 साल शराब नहीं पिलाते। ये दवा में शराबबंदी का कानून, और जब तक हम लोग का साथ रहा ये कानून लागू हुआ एक हद तक। लेकिन जो ही यहाँ से अलग उन्हीं दंगाइयों के पास चले गए, उन्मादियों के पास, व्यापारियों के पास, कौन व्यापारी, शराब के व्यापार करने वाले, तो अपरोक्ष रूप में इन्होंने सब कुछ शुरू कर दिया जो परोक्ष रूप में नहीं कर सकते थे। इसलिए नीतीश कुमार जी, शराब की जो विकृति है इसके तुम ही संचालक आज भी हो, इसके जनक तुम पहले भी थे, इसके पोषक तुम हमेशा रहे हो, इसलिए शराबबंदी के नाम पर राजद को कहीं पर कटघरे में खड़ा करने की ताकत इस बिहार में किसी नेता को नहीं है, किसी नेता के पास नहीं है। और हम लोग क्या कह रहे हैं, इस शराबबंदी को सफल करो, और सफल नहीं कर पाओगे, तुम्हारे इरादे कमज़ोर हैं, तो इस बिहार के 20,000 करोड़ का राजस्व अपने पॉकेट में क्यों डाल रहे हो। हमारा दूसरा सवाल है सर आपसे कि आगामी 26 को जो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, मंत्री हैं, आम जनता को शपथ दिलाएंगे कि शराब नहीं पीने के लिए, इस पे आपका क्या कहना। कितनी बार ऐसा शपथ हो चुका, एक शपथ से दूसरी शपथ तक जाना, शपथ दिलाने वालों की बेईमानी का इरादा रहता है। यदि आपने शपथ ले लिया और शपथ का स्वयं पालन नहीं किया तो फिर आपको शपथ लेने के लिए बाध्य किया जा, फिर पालन आपने नहीं किया
और फिर शपथ हम दिलाएंगे। क्या मतलब? आप तो शपथ लो, उत्पादन केंद्रों से जिस दिन चले जाओगे, हर टोल टैक्स के हमारे जितने भी बने हुए हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जैसे इस कैमरे से आप दिखाओगे, उसी तरह कैमरा लगा हुआ है। हर ट्रक कौन कब गुजरा ये बकायदे वहाँ का नंबर नोट है। बिहार के भीतर जितने भी ट्रक पकड़े गए, कभी टोल टैक्स का सहारा लिया कि हम इसको ट्रेस करें कि कौन सा ट्रक था, और ट्रेस करते बढ़ते चले जाओ उस टोल टैक्स तक, भारत के उस जगह पर जहाँ से उत्पादन हुआ। हो सकता है कानून के मुताबिक उसको आप कुछ न कर सको, लेकिन कौन खरीदा, कौन वहाँ से लाया, किसने पूंजी लगाई, और वहीं से मालूम हो जाएगा। और तब जो ये माफिया है जो आप जिसका पोषण कर रहे हो, ये पकड़ में आ जाएगा। जवाब काली दे दो, टोल टैक्स के सीसीटीवी कैमरे का क्यों नहीं प्रयोग हुआ? आप यहाँ हो, अधिवायदा गुंडा कोई लेकर के एक गहना आपका छीन लेता तो सीसीटीवी कैमरे से हम उसको खोज लेते हैं देश के किसी हिस्से में। भाई अरबों करोड़ों का व्यापार, हजारों करोड़ का व्यापार सालाना, और तुम किसी को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो क्या मैं कहूँ? निकम्मा नहीं कह सकते, निकम्मा नहीं है ये, ये एक्टिव पार्टनर हैं, एक्टिव पार्टनर, और अपने पार्टनरों को कभी नहीं पकड़ेंगे। हम लोग तो यही कहते हैं, यदि मन में ईमानदारी हो लागू करो, लेकिन यदि बेईमानी करना हो तो हमारे 20,000 करोड़ का राजस्व खजाने में जाने दो। तुम कहूँ लो इसको लूट रहे हो। इसलिए शपथ हमेशा ली जाती है, पुलिस भी भारत के संविधान, नेता भी भारत के संविधान, मंत्री की कुर्सी पर बैठने का भारत का संविधान, विधायक भी भारत के संविधान, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई शपथ तो हो ही नहीं सकती है। ये गांधी का देश है, हम जिस दिन खादी पहनते हैं उसी दिन गांधी के विचारों वाले हो जाते हैं, लेकिन तो गोडसे वाला विचार के साथ है ना, गोडसे का, गोडसे की पूजा करने वाले, इसलिए गोडसे को मानने वाले नीतीश कुमार थके हो, निकम्मापन में दिखाओ, आने दो नौजवानों को जो इस बिहार को संभाल सकें, जिनको संभालने का इरादा है। क्या इसने घोषणा नहीं किया था पान पराग नहीं कहीं बिकेगा? कोई दुकान है जहां पान पराग नहीं? आप बताओ जरा, कौन दोषी है इसका? इस सब चीज़ को वसूली का कारण बना दिया। अपने सृजन घोटाला करता है तो गांव में नल जल योजना का घोटाला चालू करा दिया ताकि कोई बोलने न पावे। इसलिए घोटाले बाजों, तुम्हारी अवधि पूरी हो चुकी है, कम से कम बिहार की सत्ता से उतरो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने देखा कि किस तरह से जगदा बाबू बोल रहे हैं कि शपथ लेने से कुछ नहीं होता है। यदि शराबबंदी कानून को हम सोचे कि शराब नहीं पिएंगे और अपनाएं तो तभी वो सफल हो पाएगा। बने रहें भारत लाइव के साथ, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।